भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मानसिकता तो हमेशा तुष्टीकरण वाली रही है, लेकिन बाला साहब की बात करने वाले भी कांग्रेस का कुर्ता पकड़ करके खड़े रहे हैं। कांग्रेस अलगाववादियों, आतंकवादियों का समर्थन करती है, नकली शिवसेना उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। आपने देखा है ना, कांग्रेस के शाहजादे ने मंच पर कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया था। पूरे महाराष्ट्र को वो तस्वीरें देख करके गुस्सा आया, लेकिन नकली शिवसेना ने मुंह पर ताला लगा दिया, आंख पर पट्टी बांध ली। कांग्रेस के शहजादे महाराष्ट्र की धरती पर वीर सावरकर का भी अपमान करते हैं, लेकिन नकली शिवसेना की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन्हें ललकारे। और मैं चुनौती देता हूं, ये इंडिया गाड़ी वाले यहां बैठे हैं ना, वो शहजादे के मुंह से पांच वाक्य वीर सावरकर के पक्ष में बुलवा करके दे दे। करो भाई, मेरी चुनौती उनको, ये इंडी गाड़ी के बड़े बड़े नेता ने, हां उन्होंने चुनाव जीतने के लिए उसको कह दिया कि भाई तुम वीर सावरकर बोलना बंद करो। तब से उसने बोलना बंद किया, क्यों? कि चुनाव का डर था। लेकिन हिम्मत है तो वीर सावरकर की महानता के पांच वाक्य इस शहजादे से बुलवाइए। मेरी इन नकली शिवसेना से चुनौती है, ये नकली एनसीपी से ये चुनौती है। क्या वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोल नहीं सकते आप?